जो कोर पुलिसिंग का एलिमेंट होता है वो हर जगह एक ही है, जो जनता से व्यवहार है वो ठीक ढंग से हो, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सुनवाई ठीक ढंग से हो। जब व्यक्ति नशे में होता है तो सही गलत सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। जो नशे के कारोबारी हैं, नशे का धंधा करने वाले हैं, उसको फैलाने वाले हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए IPS अधिकारियों के तबादले के बाद IPS संपत उपाध्याय जी को जबलपुर की कमान दी गई है। इससे पहले भोपाल और इंदौर में वो अनुभव ले चुके हैं। SP देवास जिले के थे, जिसके बाद जबलपुर जिले के SP बनाए गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद 2013 में कड़ी मेहनत के बाद IPS परीक्षा क्रैक की थी और अब जबलपुर जिले की कमान बतौर SP वो संभाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संपत उपाध्याय जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपकी पुलिसिंग का सर अनुभव क्या कहता है सर? दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल, उसके बाद जबलपुर जैसे शहर में क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं? जबलपुर एक काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है अपने पूरे प्रदेश का और यहाँ पे चैलेंजेज काफ़ी सारे अभी देखने में समझ में आए हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए तो जो कोर पुलिसिंग का एलिमेंट होता है वो हर जगह एक ही है। जो पुलिसिंग में हमारा तरीका रहता है रिकॉर्डेड लोगों पे नज़र रखने का, वो तरीके एक जैसे हैं, उनको हमको हर जगह लागू करना होता है। निश्चय जबलपुर में भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो जनता से व्यवहार है वो ठीक ढंग से हो, जो पीड़ित व्यक्ति हो उसकी सुनवाई ठीक ढंग से हो, कोई अपनी समस्या को ले के आता है तो उस पे मौके पे व्यक्ति जाए। साथ ही साथ जो शाम को पेट्रोलिंग होती है मेट्रोपॉलिटन शहरों में बाजार व्यवस्था के लिहाज से, क्रिमिनल एलिमेंट के लिहाज से वो अच्छी हो। जो गुंडे बदमाश हैं उनके विरुद्ध जिला बदर जैसी कार्रवाइयाँ, बाउंड ओवर जैसी कार्रवाइयाँ लगातार हो, ये सब एक कोर एलिमेंट होते हैं पुलिसिंग के और ये सभी जगह लागू किए जाते हैं। जबलपुर में भी पुलिस करती रही है, इसको भी और प्रभावी ढंग से करने एक रहेगा काम जिस पर किया जाएगा। और जबलपुर ज़िले में सर चुनौतियां भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्राइम जो है या हार्ड क्राइम जो है वो बड़ा होता है, खासतौर पर चाकूबाजी जैसी घटनाएं हाल फिलहाल में भी बढ़ती घटनाओं को आपने देखा होगा। और बार बार चुनौतियां ये आती हैं कि चाइना मेड जो चाकू है वो ऑनलाइन साइट्स के जरिए अभी भी डिलीवर यहाँ पर हो जाते हैं, तो इस नेक्सस को किस तरह से क्रैक करने का प्रयास रहेगा? निश्चय ही जब समीक्षा की गई तो चाकूबाजी के काफ़ी मामले दिखे। अपने यहाँ जो प्रतिदिन अपराध देखे जाते हैं उसमें भी चाकूबाजी की संख्या अन्य महानगरों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसके लिए पिछले वर्षों की चाकूबाजी के अपराधों की तुलना भी की गई तो जबलपुर पुलिस के प्रयास और अन्य कारणों से पिछले वर्षों की तुलना में चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई हैं और अपने करीब 10 से 12 थाने हैं जिनमें घटनाएँ बढ़ी हैं, बाकी हर जगह कम हुई है। बावजूद इसके जो संख्या अभी भी ज़्यादा है वो चाकूबाजी, हत्या के प्रयास और हत्या तक में परिणति लेती है जिससे व्यक्ति की जान तक चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए जो हमारा अभी चर्चा हुई कि पुलिस के पास जो पावर्स हैं जिसमें बाउंड ओवर करना, जो रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखना, उनका जिला बदर कराना, उनके जमानत निरस्त कराना और उनकी अन्य गतिविधियों पर नज़र रखना, साथ ही साथ चाकू इत्यादि कहाँ से आ रहे हैं उसके नेक्सस को तोड़ना, इन सभी चीज़ों पे अधिकारियों के साथ चर्चा करके निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ निर्देश जारी किए जा रहे हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पास टूल्स हैं कानूनन उन सभी का उपयोग किया जाए इनको रोकने के लिए। सर, आप तो अनुभव से जानते हैं कि नशे का सीधा संबंध अपराध से भी रहा है और जबलपुर में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम नशीले इंजेक्शंस जो कि प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका इस्तेमाल होता है और नशे के अन्यत्र जो साधन है, इससे पहले ऑपरेशन शिकंजा जैसे ऑपरेशन चलाए जाते रहे, इसको किस तरह से तेज़ी आप देने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये इंजेक्शंस जो होते हैं और साथ साथ जो नशे का कारोबार फलता हो? ये सही ऑब्जर्वेशन है कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो सही गलत सोचने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है और उस स्थिति में काफ़ी अपराध घटित होते हैं। खास तौर पे जो चाकूबाजी, मारपीट, 307 जैसे मामले हैं, पति पत्नी के मारपीट जैसे मामले हैं, तो इन सभी के जड़ में कई बार नशा आता है। इस बात को भी लेके हमारी पुलिस सेंसिटाइज है, अधिकारियों से चर्चा के उपरांत यह बात आई है कि नशे की अवधि में काफ़ी ज़्यादा ये होता है। जो शाम की हमारी पेट्रोलिंग चेकिंग है इसके लिए लगाई जा रही है, जो अवैध नशा बिक्री या प्रतिबंधित चीज़ों की बिक्री है उसके संबंध में भी थाने की जो पुलिस है उसके अलावा क्राइम ब्रांच की भी टीमें लगातार लगी हुई हैं। अन्य गुप्त सूचनाओं से भी चीज़ें पता की जा रही हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई आपको जानकारी मिलती है कि कोई नशा की बिक्री हो रही है, कोई अवैध गतिविधि हो रही है, तो इसको भी निर्भीक हो कि वो आप सूचित करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो नशे के कारोबारी हैं, नशे का धंधा करने वाले हैं, उसको फैलाने वाले हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो।
जबलपुर जिला एक विकास के लिए आकांक्षी जिला है और महानगरों से गरमताल करने की आकांक्षा रखता है, इसमें पुलिसिंग को आप किस तरह से इसका योगदान देखते हैं? किसी भी शहर के विकास के लिए कानून व्यवस्था एक मूल तत्व है, बिना उसके अच्छा विकास बिजनेस नहीं हो सकता। तो इसके लिए जबलपुर की पुलिस लगातार पहले से भी प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगी कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, अगर कोई कोई घटना होती है तो आरोपी पकड़े जाएं। साथ ही साथ यह पुलिस सिटीजन सेंट्रिक रहे, नागरिकों को थाने पुलिस में जाने में कोई डर भय न हो, उनकी सुनवाई हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है और इस दिशा में जबलपुर की पुलिस कार्य कर रही है। पुलिस जो है वो नागरिकों की मित्र रहे और संवेदनशील पुलिसिंग हो, इसके लिए मंत्र आपने अधीनस्थों को भी दिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस लोगों की बात सुनती है तो हमारे पास और भी सूचनाएं आती हैं, जैसे आपकी चर्चा के दौरान नशे की बात आई, अन्य भी जो समस्या आई, तो हमारी पुलिस की संख्या 3,500 के लगभग है, जिला 25 लाख से बड़ा है, उसको हम नियंत्रित करना, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा प्राप्त सूचनाएं, उनका इन चीज़ों को लेकर संवेदनशील होना कहीं ना कहीं हमारी पहुँच बढ़ाता है और जिससे हम इन चीज़ों पर और बेहतर कार्रवाई कर पाते हैं, साथ ही साथ नागरिकों में एक सुरक्षा और संतुष्टि का भी भाव आता है। कोई विशेष अभियान सर आप जो यहाँ छेड़ने का इच्छा रखते हैं, जिससे जरिए इन लक्ष्यों को पाया जा सके? अभी प्राथमिकता में चूंकि चाकूबाजी का मामला बार बार आ रहा है तो ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है थानावार, जिनके विरुद्ध पिछले 6 सालों में मामले दर्ज हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग न केवल सीनियर लेवल पे बल्कि जो हमारे बीट के आरक्षक हैं उन तक दायित्व निश्चित किया जाएगा कि पर्टिकुलर जो समूह है 5-10 जो भी उनके इलाके में बदमाश रहते हैं उनकी गतिविधियों पे नज़र रखें, सभी के विरुद्ध जो भी कानूनन कार्रवाइयाँ संभव हैं, जिसमें बाउंड ओवर कराया जाना, अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराया जाना, जमानत निरस्त कराया जाना अगर उसने जमानत का उल्लंघन किया है, तो ये सभी कार्रवाइयाँ उनके विरुद्ध किया जाए और हमारा SP से लेके आरक्षक स्तर तक सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के जो गुंडे बदमाश हैं उनकी जानकारी रखें और उन पर लगातार नज़र रखें ताकि वो घटनाएं ना करने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की जबलपुर जिले के नवागत SP संपत उपाध्याय जी से अपने अनुभव से। वो कह रहे हैं कि पुलिसिंग जो है वो सिटीज़न के फ्रेंडली हो सकती है, नागरिकों से मित्र बनकर पुलिस काम कर सकती है और कोर इश्यूज जो हैं पुलिसिंग के उन पर काम करने की ज़रूरत है, खासतौर पर जबलपुर में नशे की बात हो, पेट्रोलिंग की ज़रूरत की बात हो या लगातार कार्रवाइयां करने की बात हो, रिस्पांस टाइम घटाने की बात हो, संवेदनशील पुलिसिंग की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर वो आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।